काटना। और जनाब ये देखें, ये जो दो मासूम से हैं, इन्होंने हमें इतना बेवकूफ़ बनाया कि कोई कहता था राम आ जाओ, कोई कहता था ना जाओ, कोई कहता था लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कोई कहता था नहीं हो रही। इन दोनों की अपने में नहीं बन रही थी, सके भाई पागल हुए हुए थे। आप यकीन करें, इन्होंने तो हमें देवसा ही नहीं जाने दिया, मेरे दोस्त को भड़का दिया। इसी वजह से हमारा टूर हो गया ख़त्म। फिर हम अब अस्तौर से लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं। लोग कहते हैं ये रामा आए, ये जी हमने रात रामा में गुजारी। आपको ये वीडियो में नज़र आएगा, एक कैंप में रहे हैं जिसके चार्जेस इन्होंने हमसे 1500-2000 रुपया लिया, और साथ ही साथ इन्होंने वाशरूम के अलहदा पैसे लिए माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमसे 25 रुपये रोटी के लिए, पाकिस्तान की सबसे महंगी रोटी आपको अस्तौर में रामा लैक में मिलेगी, और जो क्या नाम है कढ़ाई आधा किलो थी वो 1600 रुपये की थी। यानी कि इतना लूटते हैं ये लोग, तोबा तोबा। आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ध्यान से रहिएगा, बहुत महंगा है। मैं तो कहूँगा कभी रहिएगा ना। ओके, चलो 20 तो लगाओ हमारे साथ। 1900 करो यार। ये तो वही बात है, मेहमान मेहमान कह गए तो बस फिर साहब छुरी वाला पूरा ही रखा हुआ यार। वो आपने हमें नहीं ना बताया, हम यहाँ पे फिर कैंप अपना कर लेते। चलो 500 देना था ना आपको, हमें ये तो पता होता कि हमने 500 देना था, और बकाया में पता होता था कि यहाँ पे फिर हम अपना फल फूल ले आते। हम फल उनकी वजह से नहीं लेके आए, आपके भाई की वजह से। यार उनको हम कहेंगे जाके, नीचे ज़रूर कह के जाएंगे उन्हें, यार ज़रूर कह के जाना है। हमें ऊपर कैंप का 500 बताया गया था, 500 से ज़्यादा हो गया और बड़ा डिफरेंस आया है यार।
स्टेबल करोगे तो मैं पिक्चर बनाऊंगा ना तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अल्लाह तोक्कल होटल पे आए हैं तीसरी बार। ये माशाल्लाह हमारे तंदूर वाले भाई हैं, रोटियां लगा रहे हैं, बड़ी मज़ेदार रोटियां इनकी ये होती हैं, लाहौर जैसी मगर लाहौर से भी नरम, इनके पापड़ नहीं बनाते लाहौर की तरह, रोटी होती है। ठीक है, आइए। ये हमारे हाफिज साहब हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा हाफिज भाई, आज हमने खाना खाया है माशाल्लाह, और आपने वो स्पेशल क्या बनाया था, मुझे नाम नहीं, चिकन जलफ्रेजी थी, शाही दाल थी, चिकन जलफ्रेजी थी, शाही दाल थी जो हमने खाई आज, माशाल्लाह उसका बहुत मज़ा है, बहुत टेस्टी थी। तीसरी बार हम आए हैं लेकिन टेस्ट वही है, लोगों के टेस्ट बदल जाते हैं खानों के। आप अगर 10 बार भी आएंगे तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट वही मिलेगा जो हम आपको कहेंगे।
और जो बाकी हैं ट्रैवल करने वाले हजरात हैं उनसे गुजारिश भी है, वो हमारे मेहमान भी हैं, हमारे एरिए में आते हैं, खाते पीते हैं, एक दफ़ा ज़रूर आएँ, अल्लाह तवक्कल होटल ट्रैवल करें, खाना खाएँ हमारे पास, इंजॉय करें, पसंद आए तो जी बिस्मिल्लाह पैसे दें, ना आए तो हम आपसे राज़ी, आप हमसे राज़ी, लेकिन इंशाल्लाह आप एक दफ़ा आएँ, खाना खाएँ, चिकन जलफेजी है, शाही दाल है, दाल माश है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और इंशाल्लाह हर चीज़ में आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। माशाल्लाह आपकी चाय भी बहुत मज़ेदार है, जो कि हम ये नहीं कहते कि हर होटल का खाना मज़ा आता है, लेकिन चाय भी बहुत टॉप टेस्ट है। ठीक है, मैं आप जाके अंदर से उनसे पूछता हूँ और अंदर का व्यू दिखाता हूँ। वलीद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगे खाना? खाना बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। हाँ शबी बताओ। बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आया वाकई। जलफ्रेजी बहुत औसम थी, दाल भी बहुत औसम, शाही दाल यहाँ के आपने खाया और होटल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आप जब आएंगे इधर तो लाजमी आपने जो है ना विज़िट करना है। ये एरिया ज़रा मुझे दोबारा बता देता, गुजरहा, गुजरहा एरिया है, जो आपका होटल आता है टोटल पम्प के साथ है, अल्लाह तवक्कल होटल है, अल्लाह तवक्कल होटल। आप आएँ इंशाल्लाह, हम आपकी जो है ना अच्छे से खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। दीना खड़े हुए, दीना